हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डी बी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, मैं आज आपको यहाँ एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जिससे आप लोग एक दिन पहले ही ये मालूम कर लेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डाटा है, चार्ट मुझे देखना आता है। तो मुझे आता है तो आपको भी आता है। मैं यहाँ जो भी आपको टिप्स दूंगा वो इस प्रकार से नहीं दे रहा हूँ कि मेरे ही पास रहे, वो तुम्हारे पास भी आनी चाहिए। यही चीज़ होता है, एक दुनिया का भला करने वाली बात यही होता है, परमार्थ। तो पैसा कमा के देने से ज़्यादा बड़ा परमार्थ मैं तो इस दुनिया में किसी को मानता नहीं। चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक का यहाँ पर आपको चार्ट निकालना है, और इस पर यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इसको करना है यहाँ पर सेलेक्ट। ठीक है, अभी इसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो ड्रॉ है इस पर क्लिक कर देना है, ड्रॉ पे, और यहाँ पर देखना है, बनाना है स्ट्रक्चर, ट्रेड करनी है। कैसे करनी है? देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जहाँ पर देखो नीचे क्या होता है, जब हम स्टॉक जो हम निफ्टी फिफ्टी या कोई स्टॉक देखते हैं उसमें नीचे क्या होता है, तो नीचे होती है सपोर्ट। तो देखो, इस स्टॉक की सपोर्ट कल के लिए ये बन रही है, समझ रहे मेरी बात? चलिए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। यहाँ पर निफ्टी बैंक की यहाँ पर सपोर्ट ये बन रही है, मजबूत सपोर्ट क्या है, 34,000 के लगभग, मतलब 34,088 कहना चाहिए यहाँ पर, 34,000 कह लो, 34,088 कह लो, क्योंकि 10-20-50 अंकों निफ्टी बैंक को ऊपर नीचे जाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। अगर कल ये बैंक 34,000 के लेवल को तोड़ती है, और मैं आपको फिक्स बता दूँ, 34,000 नहीं, 39,900 के लेवल को अगर ये बैंक कल तोड़ती है, तो फिर इसके टारगेट होंगे यहाँ पर, इसको तोड़ने के बाद किसको, 33,900 को तोड़ने के बाद इसके टारगेट होंगे, ये रुकेगी जाके 33,742 पे। इसके बाद में आपको यहाँ एक लाइन खींचनी है, अब इसके बाद में आपको एक लाइन फिर यहाँ खींचनी है, फिर इसका टारगेट होगा 33,466, और फिर इसका टारगेट होगा 33,259, और फिर इसका टारगेट होगा 33,063। इतने यहाँ पर इसको क्या मिले हुए, सपोर्ट। ऊपर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले, सबसे पहले तो ये इसी को ब्रेक कर ले, 34,400 को, फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रेक करेगी ये 34,700 को, फिर इसके बाद ये ब्रेक करेगी यहाँ इसको 35,000 को। तो देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना ब्रेक कर पाएगी, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो एकदम ख़राब है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि अभी जो अमेरिकी मार्केट है वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर हमको क्या डालना पड़ेगा, गूगल फाइनेंस। चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पर गूगल फाइनेंस, और देखिए आप ये देखिए यहाँ पर, इधर चलते हैं यहाँ पर मार्केट ट्रेंड दिखते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर देखिए एसपी जो इंडेक्स है भैया, वो यहाँ पर 90 अंक नीचे, 2.28 ड्रॉप जोन, यहाँ पर 1.41% नीचे, 448 अंक नीचे है। नैसडेक कंपोजिट है जो है वो आपका 406 अंक नीचे, रसेल मार्केट 51 अंक, मतलब 2.89% नीचे, और यहाँ पर जो एसपी इंडेक्स है जो है वो भी आपका यहाँ पर 2.24% नीचे है, और ब्राज़ील का जो मार्केट है वो भी यहाँ पर 1.58% नीचे है। तो अब मित्रों आप ये लगा लीजिए, मार्केट नीचे है, सारी मार्केट, जापान का निकिल मार्केट नीचे है, तो हांगकॉन्ग का मार्केट नीचे, सारी मार्केट नीचे, तो हमारी मार्केट ऊपर कहाँ से चली जाएगी, हमारी मार्केट कहाँ से ऊपर चली जाएगी भैया? अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पर सारी मार्केट, यहाँ पर ट्रेंड देखिए, ये देखिए आपका, ये कौन सी मार्केट है, यूरोप की मार्केट है,
एशिया की पैसिफिक मार्केट हैं ये, हैं हांगकांग वगैरह की, देखिए ये सारी नीचे है तो अपनी मार्केट ऊपर कहाँ से भाग जाएगी। चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि, और हम इसको पक्का सबूत कैसे कह सकते हैं कि मार्केट, देखिए चलो निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी फिफ्टी की हैं तो निफ्टी फिफ्टी के लिए देखिए सबसे पहला इसका जो यहाँ पर सपोर्ट है वो यहाँ पर सपोर्ट को इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसको जो सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले वो तोड़ना पड़ेगा 16085, मतलब 16085 को ये अगर ब्रेक करता है तो इसके जो टारगेट होंगे वो होंगे 15956, 15956 के इसके टारगेट होंगे सबसे पहले। इसके बाद अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो इस पर ये सांस लेगा फिर यहाँ जाके 15888 पे, फिर इसके बाद ये सांस लेगा यहाँ के 15852 पे है, और इसके बाद ये सांस लेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, इसके बाद ये यहाँ सांस लेगा जाके यहाँ पर फिर 15700 पे। तो मित्रों 15700 मैं फिक्स बताऊँ आपको तो 15781, 780 है, ये देखिए 15780 तक मार्केट, और कहो तो 15700 तक मार्केट कल जा सकता है। भाई मैं बता देता हूँ यहाँ से अगर ये नीचे और जाता है तो थोड़ा एक हम लोग देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसके ये भी यहाँ पर ये सपोर्ट लिए हुए हैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने ये यहाँ पर 6 मंथ का डाटा निकाल के रखा है तो मार्केट कल हमको यहाँ पर 15700 तक भी जा सकती है अगर यही मार्केट में हालत रही तो। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कैसे, क्या करेगी, क्या होगा, ऊपर जाने की कंडीशन क्या बनती है मार्केट की। तो मित्रों यहाँ पर ऊपर जाने की कंडीशन मार्केट की मैं आपको बता दूँ तो देखो यहाँ पर मैं ऊपर की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये इसको तोड़ेगी 16100, मतलब 16200 को पहले इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको भी तोड़ देगी तो नेक थोड़ा सा ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तगड़ा है 16198। अभी यहाँ इसको तोड़ना है किसको, सबसे पहले एक इसको तोड़ेगी इसको, मैं आपको बताऊँ ये यहाँ 16100, मैं इसको साफ कर देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है ये थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं ऐसे एडजस्ट, अभी अभी समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले ये इसको तोड़ेगी 16141 को, चलो ये इसने तोड़ दिया, फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा तोड़ने का जो रेजिस्टेंस होगा वो 16172, मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ भैया, फिर यहाँ पर ये 16194, फिर 16194 के बाद में अगर ये कहीं भी थोड़ा सा स्टे करेगी तो वो करेगी 16238 पे, 38 40 52 50, ये ज्यादा यहाँ आप समझ लीजिए, ये देखिए ये 16257, तो यहाँ से ये फिर वापस आ सकती है। अगर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया तो भैया फिर ये जाके रुकेगी 16300, और फिर इसके टारगेट होंगे 16000 यहाँ पर 400, ठीक है ना, ये मजबूत यहाँ इसका क्या बना हुआ है रेजिस्टेंस। अब मैंने इसको कैसे चेक किया, आप कैसे चेक कर सकते हैं, बैंक निफ्टी की हम बात कर चुके हैं और निफ्टी फिफ्टी की बात कर ली, अब देखिए यहाँ ऑप्शन चेन पे आ जाइए, थोड़ी सी देर पर लगाऊंगा, बस 2 मिनट की वीडियो और है। देखिए यहाँ पर कॉल और ये पुट, अभी कॉल जो होती है क्या होती है, कॉल कब लेते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और पुट कब लेते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है रेजिस्टेंस, और नीचे क्या होता है पुट, नीचे क्या होता है पुट, और पुट क्या होता है नीचे सपोर्ट। तो मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ बहुत बड़ी, इसको आप लोग नोट कर लेना, लिख लेना कि अगर हमारी कॉल पर
अगर हमारी कॉल पर ओआई ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो नेक्स्ट डे मार्केट के गिरने के चांस हैं। तो भैया यहाँ पर 21,42,000 ओआई ओपन है और पुट में यहाँ पर 17,000 है, 17,05,22 लगभग 4.5 लाख ओआई ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। तो कल इसी वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से आई, क्योंकि जब मार्केट इतनी ऊंची है, मार्केट इतनी ऊंची है तो आपको पता है मार्केट कभी भी ज़्यादा लोगों को पैसा नहीं देती है, कम लोगों को पैसा देती है, ये एक आइडिया लगा लीजिए। तो हमेशा याद रखना कि जब पुट पर ओआई ज़्यादा होगा, पुट पर मतलब सपोर्ट पर ओआई ज़्यादा होगा, तो वहाँ से मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। सपोर्ट पर ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है ना। और अगर रेजिस्टेंस पर ओआई ज़्यादा होगा तो वहाँ से सेलिंग होगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। ये बात आप लोग समझ लेना। अगर मैं आपको इसकी रेंज बता देता हूँ कल मार्केट की, तो उसको हम लोग कैसे क्लैरिफाई करते हैं कि हमको यहाँ पर पीसीआर निकालना होता है। पीसीआर मतलब पुट बट्टे कॉल। तो पुट बट्टे कॉल में क्या करना पड़ता है कि हमें नीचे की साइड में यहाँ पर 1/10 का पीसीआर देखना पड़ता है, जो कि मतलब आपका पुट का भाग देते हैं हम अगर कॉल में, तो यहाँ 1/10 का रेशियो निकल के आना चाहिए। तो अभी आप लोग यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखते हैं तो 16,600 की एक संख्या है, जहाँ पर हम लोग 6,000 का तो यहाँ पर ओआई पुट का है और इसका यहाँ पर 1,03,000 है। तो इसका इसमें अगर हम भाग देंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो 16,600 तक का यहाँ हमको यहाँ पे यहाँ से लेके बिजनेस कम जो है कर सकती है निफ्टी। और 16,700 पे देखिए आप लोग अगर इधर भाग देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें 10 से ऊपर ही इसका ओआई मतलब पीसीआर मिल रहा है। तो 16,700 तक का यहाँ पर मूव कर सकती है मार्केट। 1,000 का यहाँ पर किधर उधर मार्केट किधर, मतलब मान लीजिए आप लोग 2 दिन के अंदर ये मूव दिखा सकती है, या तो ऊपर 500 जा सकती है या नीचे 500 आ सकती है, दोनों तरफ 500-500 मार्केट भाग सकती है। चलिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ कवर कर ली है, और भी आप लोग यहाँ पर अब देखते हैं आगे सुबह डॉप जोन का हमें क्या हाल मिलता है। तो मैं आपसे फिर सुबह अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।